ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम्। मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। भगवान की कृपा से हम सबको एक शरीर मिला। इस शरीर के भीतर एक दूसरा शरीर है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो इस शरीर को हम कहेंगे स्थूल शरीर, और इसके भीतर जो दूसरा है उसको हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत उन्नीस चीजें हैं, उन्नीस शक्तियां हैं। उनमें से चार चीजों को हम मिला के कहते हैं अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस सूक्ष्म शरीर में। तो यह जो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अंतःकरण है, वो अंतःकरण में उस परब्रह्म परमात्मा का जब प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब किसी पानी में पड़ता है, तो वह पानी में सूर्य का प्रतिबिंब हमको चमकता है, ऐसे ही उस परब्रह्म परमात्मा का जो प्रतिबिंब है हमारे अंतःकरण में पड़ता है। परमात्मा चेतन है, और जब उनका प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ता है तो ये भी थोड़ा चमकता चमकता सा मैं जानता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, बोलता हूँ, ये यहाँ पर भी चेतनता प्रकट होती है। तो यह जो अंतःकरण में वह चेतन का प्रतिफलन हुआ, प्रतिबिंब पड़ा, उसी को हम कहते हैं जीव। वही जीव है। जब यह जीव अपने इस स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाता है, अपने आप को मान बैठता है, ये जो गुण हैं शरीर के हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ, मैं गोरा हूं कि काला हूं, मैं दुबला हूं कि मोटा हूं, ये सब है हमारे शरीर का गुण, लेकिन नासमझी के कारण हम मान बैठते हैं ये मेरा है। असल में जो मेरा जीवपना है वो ना गोरा है ना काला, ना पुरुष है ना स्त्री, ना वह मोटा है ना दुबला, वो तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा जानना चाहिए। जो
उस अपने स्वरूप को जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। जानियात ऐसा तुम जानो। लेकिन जब ये जीव इस शरीर के साथ जुड़ जाएगा तो जैसे शरीर के साथ जुड़ेगा तो दूसरा वाला शरीर अलग हो जाएगा। फिर ये शरीर ऐसा है तो दूसरा वाला शरीर शायद पशु का है, भैंस का है, ऊंट का है, दूसरा वाला आदमी अलग है, दूसरे वाले का घर अलग है, और ये शरीर मैं और इसके अलावा दूसरा, तो ये भेद बन जाता है और यह भेद सारी सृष्टि में चला जाता है। तो हम कहेंगे एक समस्या पैदा हो गई कि सारे जगत का जो स्वामी है वो हो गया ईश्वर और शरीर का स्वामी हो गया जीव। फर्क देखो, भेद बन गया ना, शरीर का स्वामी बन गया वह जीव और दुनिया का मालिक हो गया ईश्वर। अब ईश्वर अलग, जीव अलग, ऐसा हम मान बैठते हैं। और ये जब तक मान्यता बनी रहती है तब तक जन्म मृत्यु रूपी संसार उसका निवारण नहीं होता, क्योंकि भेद बुद्धि है। श्रुति से प्रमाणित करो, मृत्यो समृत्यु आप्नोति या इह नानेव पश्यति। मृत्यो समृत्यु आप्नोति, काटक श्रुति। तो ये भेद बुद्धि, बस ईश्वर अलग मैं अलग। असल में जब भगवान सर्वव्यापक हैं तो यहाँ पर भी हैं, तो इस बात को जो समझ लेवे उसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कोई किस्सा कहानी का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, कोई चुटकुला या दृष्टांत सुनाने का नाम ब्रह्म विद्या नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान यानी अपने अपने वास्तविक स्वरूप का और उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही ब्रह्म ज्ञान है। उसी को हम कहते हैं ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति का माना हुआ ब्रह्म विद्या। कैसे प्राप्त हो तो हम लोग यहां पर देखो प्रश्न करते हैं, जहां से छूटा था सवेरे। ननु सा अहंकारस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य च कथम अभेद बुद्धि स्यात्। उभयोर विरुद्ध धर्म आक्रंतत्वात् इति चेत्। हाँ, ननु, ननु का मतलब हुआ प्रश्न है हमारा, लेकिन एक बात बताओ। सा अहंकारस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य, जीवस माने यह जीव, जीव है कैसा है, अहंकार के सहित है। ये जीव में अहंकार है और किंचित ज्ञस्य जरा सा ज्ञान है। कितना ज्ञान है कि अपने ही जीवन को पूरा पूरा ठीक ठीक, अगले क्षण हमारा मन क्या सोचेगा नहीं पता है, थोड़ा सा ज्ञान है। और उस थोड़े से ज्ञान का इतना अभिमान बना लेता है महाराज या कि मेरे जैसा और कोई दूसरा नहीं। जबकि जब कभी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो कहता है हड्डियों का डॉक्टर अलग। वो हड्डियों वाला डॉक्टर जब उसकी आंख में दर्द होगा तो कहेगा चलो आंख वाले के पास चले, आंख वाला जो डॉक्टर है उसका गला बैठ जाएगा तो ईएनटी के पास चलो, उसके अटैक पड़ जावे ईएनटी वाले को तो कहाँ जावेगा आप। तो एक विषय वाला डॉक्टर दूसरे के विषय वाले का ज्ञान ठीक ठीक नहीं है। फिर भी किंचित ज्ञस जीव के भीतर थोड़ा सा ज्ञान है। देखो सा अहंकारस्य किंचित ज्ञस जीवस, जीव के भीतर अहंकार आ गया और साथ ही साथ थोड़ा सा ज्ञान हुआ। वो जो ईश्वर की बात कर रहे हैं ना, ईश्वर में तो कोई अहंकार है ही नहीं, निरहंकारस्य परमात्मा तो कोई अहंकार नहीं, और सर्वज्ञ सर्वज्ञस्य परमात्मा सर्वज्ञ है, ईश्वर है, तो ये दोनों में अभेद बुद्धि कैसे समझें, एकत्व की बुद्धि कैसे समझें, कथम अभेद बुद्धि कैसे हो सकता है जी।
एक अहंकारी है और एक निरहंकारी है, एक इतना सा जानता है और ईश्वर सब कुछ जानता है। और आप कह रहे हो कि दोनों में एकत्व का बोध प्राप्त करो, दोनों में एक तत्व को जानो, किसे जाने, कथम स्यात, कथम भेद अभेद बुद्धि स्यात, तो इसमें दोनों में एकत्व कैसे है? क्यों उभयोर विरुद्ध धर्म आक्रंत तत्व, क्योंकि दोनों के जो गुण स्वभाव है बिल्कुल विरुद्ध है। एक अहंकारी है, दूसरे में अहंकार का लेश मात्र नहीं, एक जरा सी शक्ति है, थोड़ा सा थोड़ी सी शक्ति है, हमारा घर भी हमारे बस में नहीं है, और ईश्वर सारे जगत को बस में रखता है, उसके भीतर ईशन की शक्ति है, सबका स्वामी है। तो इतना विरुद्ध धर्म होने पर, इतना अलग अलग होने पर आप कहते हो कि दोनों में एकता है, दोनों में एक ही तत्व है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं। ये प्रश्न है कैसे समझें? आपने कहा था जीव और ईश्वर में एकत्व को समझो, लेकिन दोनों के गुण धर्म बिल्कुल अलग अलग। शायद पंक्ति समझ में आ गई होगी ना। नानु लेकिन सा अहंकारस्य किंचित ज्ञस जीवस, जीव अहंकार युक्त है और अल्पज्ञ है, और निरहंकारस्य सर्वज्ञस ईश्वरस, ईश्वर कैसे हैं? निरहंकार और सर्वज्ञ। कथम अभेद बुद्धि स्यात्, तो दोनों में एकत्व का बोध कैसे हो सकता है, अभेद ज्ञान कैसे हो सकता है? उभयोर विरुद्ध धर्म आक्रंतत्वात्, दोनों के गुण धर्म बिल्कुल अलग अलग हैं, विरुद्ध धर्म है, एक दूसरे का विरोधी है, तो कैसे हो सकता है? इति चेत, अगर ऐसा प्रश्न किया जाए तो कहते हैं ना, इसका मतलब है कि ऐसा मत सोचो, विचार करने का एक तरीका है, ना ना माने तुम्हारा कहना ठीक नहीं। स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी त्वं पदवाच्यो अर्थः उपाधि विनिर्मुक्तम् समाधि दशा संपन्नम् शुद्ध चैतन्यम च त्वं पद लक्ष्यो अर्थः। देखो यहां हम जब कभी भी देखो कोई भी चीज होता है तो उस शब्द का अर्थ निकालने के लिए, शब्द का अर्थ समझने के लिए कुछ लक्षण का उपयोग करते हैं। एक नाम है जहती लक्षणा, दूसरे का नाम है अजहती लक्षणा, जहती अजहती और जहती अजहती, उसको भाग त्याग लक्षणा भी हम कह देते हैं। तो जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और जहती अजहती लक्षणा, दोनों का मिला करके। जैसे अब दृष्टांत में बड़ा प्रसिद्ध वही दृष्टांत है, कोई बैठा था और हमने पूछा कहाँ रहते हो, तो उसने कहा गंगा में रहता हूं, धूप लग रही थी, गुस्से में बैठा था, हमने पूछ लिया कहाँ रहते हो, तो गंगा में रहता हूं। हाँ, अब भाई कोई अगर दुखी हो गए पूछ लो क्या कर रहे हो, कैसे हो, पूछो कैसे हो, तो कहता मर रहा हूं। ऐसा बोला तो होगा कभी ना कभी, है ना। पूछा कैसे हो, मर रहा हूं। तो भैया अगर तुम मर रहे हो तो बोल कैसे रहे हो, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं। जैसे किसी ने कहा गंगा में रहता हूं, तो गंगा में कोई कमरा थोड़े बनवा लेगा, वो गंगायाम घोषा, गंगा में घर है। तो हमने उसका अर्थ लगा लिया कि जो कह रहा है इसका मतलब हुआ कि गंगा में नहीं बल्कि नदी के, गंगा जी के किनारे रहता होगा, गंगा जी के किनारे जो गांव वगैरह है वहीं पर रहता होगा। तो हमने जो शब्द था गंगायाम घोषा, शब्द का जो अर्थ था उसका त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया पूरा का पूरा, जहिति त्याग कर दिया, और दूसरा अर्थ निकाल लिया कि गंगा के। जैसे आदमी ने कहा मर रहा हूं,
तो मर रहा हूं तो मतलब बीमार नहीं, अभी तो बैठा हुआ है, मर रहा होता तो अस्पताल भर्ती कर दिया गया होता, मर नहीं रहा है। लेकिन अब उसका अर्थ हमने पूरा हटा दिया और ये समझ लिया कि बेचारा बड़ा दुखी है। देखो ठीक है ना, समझ में आ गया ना, तो इसका नाम हो गया जहती लक्षण। एक तरीका ये होता है कोई भी बात का अर्थ निकालने के लिए। दूसरा तरीका होता है अजहती लक्षणा। अजहती लक्षणा में यानी उसमें कुछ हम छोड़ते नहीं है बल्कि कुछ अपना जोड़ के अर्थ निकाल लेते हैं, कुछ मिला के अर्थ निकाल लेते हैं। कौन सा दृष्टांत है? और 26 जनवरी की परेड देखी है कभी टीवी वगैरह में? तो वहां दूर से हमको दिखाई पड़ा बंदूक दौड़ रही है, हमने क्या देखा? बंदूक दौड़ रही है। हाँ, वो लाल लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल दौड़ रहा है, तो लाल नहीं दौड़ रहा है बल्कि लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। बंदूक नहीं दौड़ रही है बल्कि बंदूक को लेकर के कोई सैनिक परेड कर रहा है। देखो फर्क हुआ ना, तो वो जो हमने कहा कि लाल दौड़ रहा है, तो लाल दौड़ रहा है तो इसमें कुछ छोड़ा नहीं बल्कि घोड़ा शब्द हमने उसमें जोड़ दिया, घोड़ा शब्द जोड़ दिया। या हमने कहा बंदूक दौड़ रही है, तो वहां पर बंदूक दौड़ने में मतलब क्या हुआ? हमने आदमी सैनिक जोड़ दिया। तो ऐसे ही इसका नाम हो गया कि हमने उसमें कोई एक शब्द जोड़ के तब अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये अर्थ होगा, इसका नाम हो गया जहती लक्षणा अजहती लक्षण। तीसरा होता है कुछ जोड़ते भी हैं और कुछ छोड़ते भी हैं, तो नाम हो जाएगा भाग त्याग लक्षणा, उसका नाम होगा जहती अजहती लक्षणा। हाँ, दृष्टांत वही प्रसिद्ध दृष्टांत हमारा वही है, लेकिन और कोई दृष्टांत? हाँ, और कोई दृष्टांत जोड़ो। हाँ, देवदत्ता वो तो पुराना दृष्टांत है ही, कोई ऐसा दृष्टांत, संतों का काम है ऐसा दृष्टांत लगाओ, ऐसा दृष्टांत लगाओ कि जो बिल्कुल व्यवहार जगत में आपका फिट बैठ जाए, है ना। सवेरे सवेरे हमने पूछा नहाए नहीं, तो उसने कहा नल नहीं आया था। हाँ, उसने कहा नल नहीं है, क्या मतलब हुआ इसमें? हाँ, तो नल को हमने छोड़ा नहीं, देखो अब छोड़ा भी नहीं, और उसमें एक लाइन और हमने जोड़ा, क्या? नल में पानी नहीं आया था। समझ में आया ना? तो ये दोनों काम इसमें हो गया ना, जो उसने कहा नल नहीं आया था तो नल शब्द को हमने किनारे कर दिया क्योंकि नल तो पहले ही सी लगा था, लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ दिया कि नल में पानी नहीं आया था। अब वो दृष्टांत लोग यही सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बच्चा घर छोड़ के भाग गया। हाँ, जब घर छोड़ के भागा तो बिल्कुल ये कार्तिकेय की जैसा था, तेरे जैसा वो घर छोड़ के भाग गया माँ बाप को, और उसको मिल गए काशी में कोई गुरुजी, गुरुजी ने बड़े प्यार से पाल लिया उसको। अब वो माँ बाप को कभी कभी याद करके रोता भी था, गणेश, अच्छा चलो, हाँ, तो माँ बाप को याद करके रोता भी था, लेकिन गोल मटोल सा चेहरा, सुंदर सा चेहरा, बच्चा सबको प्यारे लगते हैं। अब वहां गुरुजी ने पाल पोस के बड़ा किया, धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ गई, दाढ़ी मूछ निकल आए, बड़ा हो गया। अब किसी समय उसके माता पिता मिलने आ गए गुरुजी से, तो उनको चेहरा दिखने में लगा ये लगता तो वही है, लेकिन चेहरा बदल गया है, पहले चेहरा बड़ा सुंदर सा था, है ना। जब बच्चे होते तो सबका चेहरा बड़ा सुंदर, बड़े हो जाते हैं तो चेहरा देखने लायक ही नहीं होता फिर। हाँ, अब वो चेहरा बदल गया, दाढ़ी मूछ आ गई, पहले इतना सा था अब इतना बड़ा हो गया है। तो अब क्या कहा? किसी ने कहा, गुरुजी ने कहा, सो अयम देवदत्ता, ये वही बालक है, ये वही बालक है जो बचपन में तुम्हारे पास से चला आया था, लेकिन अब उसका रूप बदल गया,
आकार बदल गई, शरीर का रंग रंगत बदल गई, लेकिन भीतर वाला वही का वही। तो इसमें क्या किया, एक वो बचपन वाले शरीर का कोमलता सुकुमारता उसके वो सबको छोड़ा और जुआ अवस्था वाले को हमने उसमें जोड़ करके देख लिया, तो नाम पड़ गया भाग त्याग। अच्छा तीसरा हो गया है ना, सो अयम देव दत्ता, वही ये वही देवदत्त है। ये तीन प्रकार का लक्षण होता है। अब ये तीन प्रकार के लक्षणों में से आप यह जो जीव है और ईश्वर है इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। तो पहले जीव को समझो, तो जीव का दो शब्द समझो, एक है वाच्यार्थ एक है लक्ष्यार्थ। इसको कहते हैं वाच्यार्थ। पहले भी स्कूल में जब किसी कविता का अर्थ लिखते थे तो पहले लिखते थे अनुवाद और फिर उसके नीचे लिखते हो भावार्थ, तो उस दोहे का अनुवाद कर दिया और उसके नीचे फिर उसका भाव क्या है। तो ऐसे ही जीव, जीव जिसको हमने कहा था, अभी बताया था जीव, अभी यही बताया था जीव, तो वो जीव का एक होता है वाच्यार्थ और एक होता है उसका असली अर्थ लक्ष्यार्थ। तो दोनों का देखो अलग अलग करके बता रहे हैं। अब स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी त्वम पद वाच्यो अर्थ, ये जीव जो है जीव, ये इसका वाच्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है, इसको जैसे अनुवाद करो तो क्या है, तो कहा स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी, भीतर वाला जो स्थूल शरीर को कह रहा है मेरा मैं, ये मेरा नाम है, सूक्ष्म शरीर को अपना मानने वाला, इस शरीर को अपना मानने वाला, यही जो अपने आप को कहता मैं तुम मैं, यही जीव का वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ माना उसका, अरे जैसे देखो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ समझाया कि नहीं, नहीं एक शब्द का अर्थ और एक उसका मतलब, मुहावरा जितने होते हैं, मुहावरा जितने होते हैं, शब्द का अर्थ अलग होता, शब्द अलग होता है और उसका भाव बिल्कुल है। हमारा बड़ा प्रिय है, ना नौमन तेल होगा ना राधा, क्या मतलब हुआ, शब्दार्थ करो, शब्द का अर्थ क्या होगा, इन नौ मन तेल अगर हम यहां रख लेंगे तो राधा नाचेंगी, यही मतलब हुआ ना, शब्दार्थ तो यही हुआ ना, कि नौ मन तेल यहां रखेंगे तो राधा नाचेंगी, और नौ मन तेल नहीं होगा तो राधा, शब्दार्थ तो यही हुआ ना, इसका नाम हुआ वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ क्या हुआ, कि सामने वाला काम करने के लिए ऐसी शर्त रख रहा है जो संभव नहीं। देखो हमने कोई काम बताया कि इस काम को करो, तो उसने कहा कि जो है नहीं इतना वाला ऐसा हो जावे। जैसे देखो एक गुरुजी थे, ओ गुरुजी ने चेला को पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते जब पढ़ लिया चेला, तो चेले ने कहा गुरुजी दक्षिणा क्या दूं, गुरु दक्षिणा, उनका बेटा ये ज्ञान को धारण करो यही दक्षिणा होगी जाओ। उसने कहा नहीं गुरुजी, बिना दक्षिणा दिए ज्ञान तो टिकता नहीं, कुछ तो मांगे लो। जब दो तीन बार हुआ तो गुरुजी ने कहा जा हमको 60,000 स्वर्ण मुद्राएं ले आ। चेले के पास कुछ नहीं था कमंडल के अलावा, और 60,000 असरफी ले आओ। अब बेचारा चेला क्या करे, इसका नाम हुआ ना नौमन तेल होगा। याद आया किसकी कथा थी, ये किसकी थी, वो दूसरा था गालो ऋषि का था, ये धौम ऋषि का शिष्य था जिसका नाम था कौत्स, कौत्स। फिर वो गया था राजा रघु के पास और राजा रघु से स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी। ओ राजा रघु भी ऐसे थे कि झोपड़ी में रहते थे, मिट्टी के बर्तन थे, वो अयोध्या के सम्राट थे। तो जब वो बच्चा गया उनसे कि मांग के ले आऊं और गुरु दक्षिणा दूं, इतने दिन हो गया नहीं दे पाया, तो वहां मिट्टी का बर्तन देख के वापस जाने लगा, जब इनके पास खुद ही नहीं तो क्या देंगे। तो वहां पर फिर पूछा ए ब्राह्मण का बालक क्यों आया था,
उसने कहा जाने दीजिए महाराज, लेकिन जब बार बार पूछा तो उसने बता दिया हमको गुरुदक्षिणा में इतनी स्वर्ण मुद्राएं देनी। तो राजा रघु ने कहा रात्रि निवास करो, दूर से आए हो, कुछ फल वगैरह खाओ, कल चले जाना। तो उसी दिन शाम को राजा रघु ने बैठक बुलाई, सभा। उन्होंने कहा पूरा मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हूं, हम अपने ऊपर पैसा नहीं खर्चा करते, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन पूरा पृथ्वी का सम्राट मैं हूं, सब कर देते हैं। जब सबका सम्राट हूं तो ये स्वर्ग के देवताओं का भी सम्राट मैं हूं, वो लोग कर क्यों नहीं देते, उनको भी टैक्स देना चाहिए, समझ लो इसका नाम क्या हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, कुबेर के ऊपर चढ़ाई करेंगे सवेरे, हमको हमारे राज्य में मेरे शासन में रहते हैं, कर दे मैं हमको। महाराज जिसको कहते हो ईडी और वो क्या होता है, हाँ हाँ है ना, कुबेर क्यों नहीं देते। कुबेर को सूचना मिल गई, कुबेर को सूचना मिल गई सवेरे राजा रघु चढ़ाई करेंगे और उनके पास नारायण अस्त्र है जिसकी कोई काट नहीं है। कुबेर ने रात ही में वहां जहां राजा रघु की झोपड़ी वगैरह थी उनके आंगन में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राओं की बरसात कर दिया, डर के मारे। हाँ आजकल जैसे नोट निकलती है पूरा बरसात कर दिया। अब जब सवेरा हुआ तो राजा रघु ने नहीं नहीं अब चढ़ाई करने की जरूरत नहीं, आक्रमण की कोई जरूरत नहीं, देखो बहुत सारा हो गया। महाराज उसको बटोर लिया, फिर उसको कहा ले जाओ कौत्स तुम। तो कौत्स ने गिन करके 60,000 स्वर्ण मुद्रा गिनी, बाकी जो बची थी बगल में कर दिया। बस महाराजा रघु ने कहा हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे रहते हैं, ये सब तुम्हारा, ले जाओ। तब कौत्स ने कहा नहीं क्या महाराज, हम अपने लिए धन नहीं मांगने आए थे, हमको गुरुदक्षिणा में देना था। और वो सब शास्त्र को पढ़ना चाहिए, कथाओं को। तो अगर किसी ने कहा कि भाई देखो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, हमने दृष्टांत लिया था ना नौमन तेल होगा, ऐसे बहुत सारे आप कहावत जोड़ सकते हो, जब समय आएगा तो बुलाते रहें। तो उसका एक शब्द का अर्थ हुआ शब्दार्थ और एक हुआ उसका लक्ष्यार्थ। तो ऐसे ही जीव जिसको हम कहते हैं, ये जीव का शब्दार्थ है इस शरीर के साथ अभिमान करने वाला, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को अपनी मानने वाला, ये त्वम पद का वाच्यार्थ है। अच्छा उपाधि विनिर्मुक्ता, मान लो शरीर को अगर किनारे कर दे, स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, कारण शरीर भी नहीं हूं, और अपने स्वरूप में रहे समाधि दशा संपन्नम, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा कया, आत्मा का लक्षण बताया था आत्मा कहा सच्चिदानंद, मैं तो ऐसा सत्य शुद्ध चैतन्य रूप हूं, ये त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तो जीव शब्द त्वम पद का एक हो गया वाच्यार्थ, एक हो गया त्वम माने जीव, ये जीव का वाच्यार्थ हो गया शरीर अभिमानी, और लक्ष्यार्थ हो गया शरीर से ममता को हटा करके अपने चैतन्य स्वरूप में रहने वाला। आगे देखो एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वरस्तत्पदवाच्यः उपाधिशून्यं शुद्ध चैतन्यं च तत्पद लक्ष्यम् एवं च लक्ष्यार्थम् आदाय जीव ईश्वरयो अभेदे बाधका भावः एवं। अब इसी प्रकार से समझो, ईश्वर जैसे जीव को समझा ऐसे ईश्वर का, ईश्वर का वाच्यार्थ शब्दार्थ क्या होगा, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सारे जगत के नियंता हैं, सब पर करुणा करने वाले हैं, ये ईश्वर शब्द का हो गया शब्दार्थ। सर्वज्ञत्वाद विशिष्टः ईश्वरस्य तत्पद वाच्यः, ये तत्माने ईश्वर, ईश्वर का शब्दार्थ है। हाँ भाई अच्छा सर्वज्ञ कब होंगे, जब सब होंगे तब तो सर्वज्ञ होंगे ना, और सब हो वही ना तो वो सापेक्ष है ना, सर्वज्ञ काय का होगा। तो ईश्वर भी सर्वज्ञ कब है, सर्वशक्तिमान कब है, वो कहते हैं ना वो
भक्त ने प्रार्थना किया, महाराज आप दीनानाथ कहलाते हो, आप दीनानाथ कहलाते हो, अरे मेरे से ज्यादा बड़ा दीन कौन होगा, और अगर आप हमारे दीन पर कृपा नहीं करोगे तो आप दीनानाथ कैसे कहलाओगे। लो ये हो गया भेद ना, मैं हूं दीन तो वो हो गया कौन, दीनानाथ। अगर दीने कोई ना हो तो, कोई दीन ना हो तो दीनानाथ कहेगा। अच्छा मैं एक चीज दान करना चाहता हूं, कोई लेने वाला ना हो तो किसको दान करूंगा फिर, मैं इसको दान करना चाह रहा हूं, लेकिन दान तब करूंगा जब कोई इसको लेने के लिए तैयार होगा, और अगर कोई लेने के लिए तैयार नहीं तो दान कैसे करूंगा, फिर दान कहां होगा, फिर आप तो त्याग कर सकते हो, गड़े में फेंट सकते हो, लेकिन दान करने के लिए तो कोई तैयार हो गए। कभी आप एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म होता है तुला दान करना, तराजू से तौल करके अपने बराबर अनाज या पैसा वगैरह दान करना, आप दान करके देखो कोई श्रेष्ठ महात्मा नहीं लेगा दान, कोई श्रेष्ठ महात्मा दान नहीं लेगा, कोई वहां पर कोई ऐसा लेगा, लेकिन जो है कोई श्रेष्ठ संत को आप दो तुला दान करके, वो जल्दी नहीं लेवेगा, क्यों लेवेगा। तो जब हम देने वाले हैं और कोई लेता है तब ना, तो ये जो दुनिया है तो परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, सर्वेश्वर हो, तो ये ईश्वर शब्द का शब्दार्थ है, और लक्ष्यार्थ क्या हुआ, ना दुनिया है ना आप सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञता की उपाधि को किनारे, सर्वशक्तिमत्ता की उपाधि को किनारे, सारी उपाधियों को किनारे कर दिया, तब शुद्ध चैतन्य आपका स्वरूप है। लो आप भी देखो लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दो, तो जीव शब्द का वाच्यार्थ स्थूल शरीर अभिमानी सुखी दुखी, जीव शब्द का लक्ष्यार्थ कौन हुआ, शुद्ध चैतन्य, ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ हुआ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, ईश्वर शब्द का लक्ष्यार्थ हुआ शुद्ध चैतन्य, और लक्ष्यार्थ की दृष्टि से दोनों कौन हो गए, अब एक लो, चाहे कल या सवेरे सुनाया था ना, एक भिखारी और एक राजा, वो दृष्टांत बहुत बढ़िया है, एक भिखारी है और एक राजा है, भिखारी के पास कपड़े फटे हुए हैं, भिखारी के पास झोपड़ी है टूटी हुई, भिखारी के पास खाने का भी ठिकाना नहीं है, सम्राट के पास महल है, सम्राट के पास शासन शक्ति है, ये उपाधि है, ये है भिखारी, भिखारी है राजा, राजा भिखारी राजा नहीं हो सकता, राजा भिखारी नहीं हो सकता, देखो ये है शब्दार्थ, क्योंकि भिखारी की उपाधि हो गई भिक्षा पात्र, फटे कपड़े, मन में दीनता, ये भिखारी की उपाधि हो गई, सम्राट की उपाधि हो गई भीतर गौरव, राजसी वेश उसकी उपाधि है, और उसने अपनी उपाधि को किनारे कर दिया, राजा ने अपनी उपाधि को किनारे कर दिया। आप लोगों को शायद ना पता हो, एक था चौधरी चरण सिंह, वो फटा पुराना कपड़ा पहन करके थाने पहुंच गया था, अकेले एक थाने में पहुंच गया था वो, महाराज एक से एक विचित्र होते, फटा पुराना कपड़ा करके पहन करके बिना किसी अंगरक्षक के वहां पहुंच गया था, और उसने कहा हमारी जेब कट गई है, हमको रपट लिखवानी है रिपोर्ट, वो थाने में उसको बिठाए रखा घंटा भर, रिपोर्ट नहीं लिखा, अंत में 35 रुपए पर बात पक्की हो गई रिपोर्ट लिखने की, इतना रुपया दो तो तुम्हारी रिपोर्ट लिखे, घूस या फाराई लिखने के लिए, तो उसने बड़े मुश्किल से उसने हाँ कर लिया, उसके बाद जब रिपोर्ट लिखी तो उस सब ने कहा, जो मुंशी था उसने कहा तुम जो है दस्तखत तो करना आता नहीं होगा, वो अंगूठा वाला आगे कर दिया, वो कर दिया, उनका पेन भी दे दो, ये भी दे दो, पेन भी दे दो, तो उसने जो है फिर पेन से साइन किए और लिखा चौधरी चरण सिंह, फिर जेब से एक मुहर निकाली, उसको ठप्पा लगा करके उस पर लिखा, तो उस पर लिखा था भारत सरकार प्रधानमंत्री। फिर था सारा थाना हल्ला मचा, फिर जिले से सब दौड़े डीएम, और ये क्या हुआ, पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था, पूरा थाना सस्पेंड हुआ था, वहां का पूरा स्टाफ जो है सस्पेंड हुआ था,
तो अब वो उपाधि को देखो, अब वही अगर 50 सैनिक को लेके आता साथ में, तो सबको छोड़ के आया तो एक आम आदमी हो गया ना राजा, एक आम आदमी। तो ऐसे राजा ने अपनी उपाधि हटा दी और भिखारी ने अपनी उपाधि हटा दी, तो दोनों एक सामान्य हो गए मनुष्य। ऐसे जीव ने अपनी उपाधि हटाई, ईश्वर ने अपनी उपाधि उठाई, तो दोनों हो गए सच्चिदानंद ब्रह्म। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एवं चा, इस प्रकार से लक्ष्यार्थम आदाय, लक्ष्यार्थ की दृष्टि से जीव ईश्वरयो अभेदे, जीव और ईश्वर में अभेद, बाधक अभाव, इसको काटने वाला कोई नहीं। बाधक अभाव माने इसका निषेध कोई कर नहीं सकता। लक्ष्यार्थ की दृष्टि से जीव और ईश्वर एक हैं, इसी बात को ग्रहण करना चाहिए। इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। अब कल से जो हम सुनाएंगे ना, वो भागवत कथा है, वो भागवत ही तो है कि शिव पुराण है। चलो कल शाम से सुनाएंगे। हाँ, लेकिन ब्रह्म ज्ञान इसको कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एवं वेदांत वाक्यैहि सद्गुरु उपदेशेन सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन मुक्ता इति उच्यन्ते। एवं इस प्रकार से वेदांत वाक्य ही, वेदांत के शास्त्र के वाक्यों के द्वारा, और वेदांत अपने आप पढ़ने से नहीं, क्योंकि श्रद्धा में आया था ना, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ शिष्यः, तो अपने आप नहीं, सदगुरु उपदेशेन। अब अपने आप पढ़ के तो अपने आप पढ़ लेते इस किताब को जल्दी से, जो है शायद ही समझ में आता। तो वेदांत के वाक्यों से और सदगुरु के उपदेश के द्वारा सर्वेषु अपि भूतेषु, सारे जगत में एक मेरी आत्मा ही है, ऐसा जिसके भीतर बोध पैदा हो गया। शरीर नहीं, शरीर तो एक जगह पे बैठा है, लेकिन जो मेरा चेतन है वही सारे जगत का चेतन है, जो मेरे भीतर आत्मा है वही सारे जगत की आत्मा है, अयम आत्मा, जिसके भीतर ऐसी ब्रह्म बुद्धि पैदा हो गई, ते जीवन मुक्त, उसी को हम कहते हैं जीवन। वो ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों की पूजा सेवा करने का भी बहुत पुण्य है। मैं तो वो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं। हाँ, सुना ना, अहम ब्रह्मास्मि, जिसके भीतर ऐसा बोध पैदा हुआ वो जीवन मुक्त है। पूछा, ननु जीवन मुक्ता कहा यथा देहो हम पुरुषो हम ब्राह्मणो हम क्षत्रियो हम वैश्यो हम शूद्रो हम अस्मि इति दृढ़ निश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणो न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रो न पुरुषः किन्तु असंगः सच्चिदानंद स्वरूपः स्वप्रकाश रूपः सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूपो अहमस्मीति दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञानवान। तो फिर ननु बताइए, ननु माने बताइए, जीवन मुक्त कहा, जीवन मुक्त कैसे होता है? जीवन मुक्त, विदेह मुक्त, ये सब सुना होगा कभी, जीवन मुक्त, विदेह मुक्त, ज्ञानी, संत कैसे होते हैं? तो कहा देखो, यथा जैसे, जैसे आज आपके मन में पक्का है, बिल्कुल मन में पक्का है, दृढ़ निश्चय है। क्या पक्का है? देहो हम, वो पंक्ति पर ध्यान देते रहना, मैं शरीर हूं,
बिल्कुल पक्का है महाराज, मैं शरीर हूं, शरीर को जरा सा कोई छुएगा तो मैं चिढ़ जाऊंगा, मैं शरीर हूं। फिर शरीर मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, ये पक्का है। मैं शरीर हूं तो मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। फिर ये शरीर जहां पैदा हुआ तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र। क्या दृढ़ निश्चय पक्का करके मन में बैठा हुआ है महाराज, बिल्कुल पक्का, हिलाए हिलता नहीं, डुलाए ढुलता नहीं। जैसे आज ये अंतःकरण में बिल्कुल दृढ़ निश्चय है, उसी प्रकार से तथा ना अहम पक्का क्या हो जाए, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं, ये सब शरीर के साथ में है, मैं शूद्र नहीं हूं, अरे मैं पुरुष स्त्री नहीं हूं, ना पुरुष हूं ना स्त्री हूं, फिर कौन हूं आप? मैं तो असंग हूं। क्योंकि देखो ये सब वाच्यार्थ था, जीव शब्द का ये वाच्यार्थ था, शब्दार्थ था, मैं तो असंग हूं, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं। अरे मैं स्वयं प्रकाश हूं, हमको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, अपने आप जानता हूं, हमको लालटेन की और टॉर्च की जरूरत भी नहीं है। मैं जिंदा हूं, इसको देखने के लिए क्या लालटेन चाहिए, टॉर्च चाहिए? मैं जिंदा हूं, किसके प्रकाश में जानते हो आप? सूर्य, सूर्य के कारण कि चंद्रमा के कारण? बस मैं स्वयं प्रकाश हूं, अपने आप में मैं जानता हूं, अपने भीतर चेतन की ज्योति है। सर्वांतर्यामी, मैं तो सारे जगत का अंतर्यामी हूं, सबके अंतःकरण में एक ही चेतन है, चिदाकाश रूपो हम, ऐसा क्या है? हाँ, चिदानंद रूपा मैं ऐसा हूं। दृढ़ निश्चय, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, अपरोक्ष ज्ञानवान, बिल्कुल अपरोक्ष ज्ञानवान है, बिल्कुल साफ साफ अनुभव है कि मैं ऐसा हूं, उसी को हम कहते हैं जीवन मुक्त। वो है तत्वेता, वो है ब्रह्मज्ञानी, जो शरीर की उपाधि से परे, शरीर की उपाधि को निषेध कर दिया, जिसको कहा है ना नेति नेति, इसको शरीर नहीं, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर, मैं तो असंग सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद आत्मा मैं। मुझे आत्मा का तो कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं है, आत्मा न कहीं जाती है और न कहीं आती, आत्मा में न तो कोई शोक है न तो मोह है, आत्मा का कोई जन्म नहीं और आत्मा की कोई, मैं तो वो आत्मा हूं। ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, पक्का निश्चय है, पक्का निश्चय समझे माने कि डिगाए फिर ना डिगे, हाँ, डिग जावे तो फिर वो पक्का निश्चय नहीं है, अभी यही गड़बड़ी होती है, अभी पक्का निश्चय होता तो बात क्या होती। सारा जो है ये प्रवचन और महात्माओं का प्रयास वही है कि ये बात पक्का। हाँ, एक बच्चा कमरे में गया शाम को, घर में चार कमरे थे, एक कमरे में स्टोर रूम में गया, शाम को अंधेरा था, कमरे में उसको सांप दिखाई पड़ा, वो चिल्लाता भागा, मम्मी सांप 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 कमरे में। अब तो भाग करके बच्चा आ गया, और माँ को पूरा पता है कि कमरे में कोई सांप कहीं ना था ना है, कहीं से आ नहीं सकता, क्योंकि जाली लगी है, कहीं कोई बिल नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं जहां से सांप आ सके, कोई जगह नहीं। हाँ, ऐसा उस माँ को ऐसा लगा कि ऐसा लगता है कि हमने कोई रस्सी रख दी थी, उस रस्सी को सांप समझ के बच्चा। अब वो मम्मी बैठ करके कमरे में समझाती है, बेटा कमरे में सांप कहीं से नहीं आ सकता, जगह ही नहीं है सांप के आने का, कोई छेद नहीं है, बिल नहीं है, कमरों में खिड़कियों में जाली लगी है, दरवाजे के नीचे भी जगह नहीं है, सांप के आने का कोई जगह नहीं है, सांप नहीं है, सांप नहीं है, सांप नहीं। माँ के ऊपर विश्वास था, बच्चे ने मान लिया, बच्चे ने हाँ मम्मी कमरे में सांप नहीं, मान लिया, आप तो मेरा भला चाहते हो ना। नहीं, 1 घंटे बाद मम्मी ने कहा बेटा उस कमरे में एक वो चीज रखी है, ले तो वाह। अब बच्चे का मन क्या कहेगा, मम्मी सांप तो नहीं है लेकिन कमरे में मैं जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? जाऊंगा नहीं, क्या
क्या मतलब हुआ कि उसके मन में माँ के ऊपर विश्वास से बात ये बैठ तो गई कि कमरे में सांप नहीं है, लेकिन भीतर का जो डर बैठा था ना, वो डर निकला नहीं। चाहे जितना मम्मी कहे, लेकिन कमरे में कुछ ना कुछ तो है। ऐसे हम लोग प्रवचन सुनाते, जैसे मम्मी सुनाती बच्चे को, ऐसे हम लोग सुनाते रहते हैं और बच्चा सुन करके मान लेता है, सिर हिलाता है तुम्हारे, हाँ मम्मी ठीक है, हाँ गुरु जी ठीक है, बिल्कुल, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ। लेकिन जरा सी कोई बात हो जाए फिर देखो। हाँ, तो अब अगर वही माँ उस बच्चे का हाथ पकड़े, हाथ में टार्च ले, चलो चल के देखते हैं कहां पर है सांप, चलो चल के देखें, और जब कमरे में लेकर के चली गई माँ, वहां टार्च जलाया, बच्चे ने खुद देखा, अरे यहां तो ये रस्सी पड़ी थी, भ्रम के कारण हमने उसी को सांप समझ लिया, अपनी नजरों से देख लिया, अपनी नजरों से देखा, अब उसके भीतर दोबारा कोई भय, पहले माना था और अब, इसका नाम है अपरोक्ष ज्ञान। ये देखना, यही लिखा है ना, दृढ़ निश्चय रूप, दृढ़ निश्चय रूप, दृढ़ निश्चय कैसे हुआ, शास्त्र और गुरु के वचन को सुन करके, दृढ़ निश्चय, अपरोक्ष ज्ञानवान। अपरोक्ष ज्ञानवान क्या हुआ, स्वयं का साधना करके उसने कर लिया अनुभव, अपरोक्ष अनुभूति हो गई, तब अब उसके भीतर कोई संशय नहीं रह जाए, वो है जीवन मुक्त। ऐसे को हम कहते हैं जीवन, अब वो ज्ञानी हो गया, बस जीवन मुक्त हो जाए, बहुत बढ़िया। ब्रह्मैवाह अहम् अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तो जीवन मुक्तः ब्रह्म एव अहम् अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन। ब्रह्म स्वरूप ही मैं हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप ही हूं, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान होने पर क्या होगा, निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त, जितने कर्मों का बंधन है सब आपका कट जाएगा। निखिल माने अखिल, पूरा का पूरा, निशेष मतलब कोई बाकी नहीं, उपसर्ग है ना, पूरी तरह से सारे कर्मों का बंधन कट जाएगा, वही जीवन। अब उसको कोई कर्मों का लेखा जोखा भोगना नहीं, वो कर्म बंधन के परे। तो पूछा, कर्माणि कति विधानि आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, हाँ बढ़िया, तीन, आगामी संचित और प्रारब्ध, ये भेद से तीन प्रकार के कर्म होते हैं, आगामी संचित और प्रारब्ध। ये आगामी को ही एक शब्द प्रयोग करते हैं, क्रियमाण, आगामी को ही हम कहते हैं क्रियमाण, और प्रारब्ध को ही आप कहते हो भाग्य, प्रारब्ध को ही आप लोग क्या बोलोगे, भाग्य। कई लोग कहते हैं ना, चंदोला जी बोलते थे हमेशा, हाँ जितन, हाँ किस्मत से ज्यादा समय से, ऐसे कुछ बोलते थे, क्या बोलते थे, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले, ऐसे ऐसे हमसे बोला था ना ऐसे। हाँ भैया, भाग्य माने क्या, तो किस्मत माने क्या, ओ प्रारब्ध। तो ये तीन भेद हुए, आगामी संचित और प्रारब्ध, तीन प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा जो अज्ञानी जीव है उनके लिए है, जो जीवन मुक्त है उनका ये तीनों प्रकार का कर्म बंधन मिट गया, हमारा उनको कोई कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभ, किसके लिए, जीव के लिए, उसको अवश्य ही शुभ और अशुभ कर्म का फल
भोगना पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी हो गया तो शरीर भाव से ऊपर उठ गया, मैं तो शरीर ही नहीं हूं, मैं तो स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं। तो सच्चिदानंद तो तीनों कालों में है, सत्माने त्रिकाले प्रतिष्ठति, तो उसका कोई फिर सच्चित आगामी प्रारब्ध नहीं होता। अब लगता है इसको कल ही पढ़े क्या? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।